प्रदेश में 15 माह की रही सरकार कमलनाथ में काम करने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान महामारी से लेकर मीडिया समूह पर हो रही कार्यवाही को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर कई सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मालवांचल के अपने कांग्रेस के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ गांधी भवन पर बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी सरकार का घेराव करते हुए कहा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब अपराधी थर थर कांपते थे और कई बड़ी कार्रवाई माफिया पर की गई थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि माफियाओं को 10 फीट गड्ढे गहरे में गाड़ देंगे, लेकिन होता कुछ और ही है। यहाँ पर आदिवासियों को हत्या कर उन्हें 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया है। और तत्कालीन घटना इंदौर में शराब माफियाओं ने दिन दहाड़े गोली कांड कर शराब कारोबारी पर जानलेवा हमला कर दिया। बीजेपी सरकार में माफिया राज काफी सक्रिय हुए हैं। इसी के साथ पटवारी ने कहा कि मीडिया समूह पर बीजेपी सरकार ने जिस तरह से दोषपूर्ण तरीके से छापामार कार्रवाई की है वह काफी निंदनीय है। मीडिया समूह देश के 4 स्तंभों में से चौथा स्तंभ है और उन पर इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया समूह पर दबाव बनाते हुए यह कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है।